मोस्ट वांटेड विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया है। वर्तमान में वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार किए गए हैं महाकाल से। दर्शन करने पहुंचा था, किस तरह का इनपुट मिला था? पूजा करने के लिए गया है। प्रारंभ दृष्टि में पता चला था कि हमारे एक कांस्टेबल को सब हुआ था घनश्याम। ये सब अभी प्राइमरी बात है, इसको अंतिम न माने। पहली बात, उसको शक हुआ तो उसने अपने पुलिस के दूसरे साथी को बताया और उसके बाद में चार कांस्टेबलों ने उसे एक तरफ बुला के बिठा ला और उसके बाद में पुलिस कस्टडी में आया और पूछे। मंदिर के समिति के जो लोग हैं उन्होंने भी पहचान की थी और उसके बाद पुलिस फिर उसको बताया, बाकी सब पहचान करते गए बाद में। सर, एक बड़ी कामयाबी है मध्य प्रदेश की। निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है और उसकी गहराई में जाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी आने वाली है। अलर्ट के बावजूद कैसे मध्य प्रदेश में आ सका? अलर्ट के बावजूद ही पकड़ा गया है और रेल चलती हैं, बसें चलती हैं, साधन है। तो ये सवाल ठीक है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सीएम से चर्चा हुई है क्या? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों आप परस्पर बातचीत कर रहे हैं। हेलो, इसको देखना फोन चल रहा है कि कैमरा मैन चल रहा है। अरे बस बस हाँ भाई, बस यहीं रोक लो, महाकाल पे चौकी पे होंगे। पुलिस लाइन में नहीं लाया उसको। आप देख सकते हो मीडिया वाले किस तरह से उसको विकास दुबे को लेते हुए लेते जा रहे हैं। उज्जैन नगरी से पकड़ाया विकास दुबे। आएगा इधर ही। हाँ, अरे भैया आ जाए, एक घंटा बाद, अरे एक घंटा बाद। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस ने सीधे? इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीज़ों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर चंबल वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है सर, एक मिनट सर, मध्य